नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय है। अन्वेषक मानदेय 17,000, सुप्रीम कोर्ट जाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मानदेय 9,000 अप्रैल में जारी होने की प्रबल संभावना है। बड़ी खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मानदेय 9,000 मिलेगा अब अन्वेषकों को, क्योंकि चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,000 रुपये मानदेय वृद्धि कर 7,000 से बढ़ाकर 9,000 मानदेय किया हो था। शुरू करते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पहले रुख करते हैं प्रमुख खबरों का। एपी सिंह महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट लड़ सकते हैं अन्वेषकों का मामला। इस माह से जारी हो सकता है 9,000 की दर से अन्वेषकों का मानदेय। अन्वेषक शिक्षा मित्रों के हवाले चल रहे हैं स्कूल। जाने किस जिले में अन्वेषक की संविदा समाप्त की गई है। लगाया अभद्र तकारो। शादी से लौट रहे शिक्षक की कार सहित माइनर में डूबने से मौके पर ही मौत। अन्वेषक मानदेय 17,000, हाईकोर्ट से विजय प्राप्त होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। अन्वेषकों के माध्यम से तैयारी की जा रही है, खबर आ रही है। और एपी सिंह महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया है कि हम अन्वेषकों के मुद्दे को लड़ने के लिए तैयार हैं। गुप्त सूत्र के अनुसार अप्रैल माह से मिल सकता है 9,000 रुपये अन्वेषकों को मानदेय। अप्रैल से जारी होने की संभावना है, क्योंकि नए बजट के हिसाब से अब मानदेय जारी होगा। और मुख्यमंत्री द्वारा मन से घोषणा की गई थी कि मानदेय वृद्धि 2,000 की गई है, यानी 7,000 और 2,000 मिलकर 9,000 मानदेय अप्रैल माह से लगने की संभावना है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस समय गुरु की गुरु दक्षिणा कब दोगे महाराज, ये मुद्दा बरकरार है। अन्वेषकों का मानदेय 9,000, कई तरह के सवाल मन में चल रहे हैं अन्वेषकों के, शिक्षा मित्रों के। क्या मानदेय 2,000 वृद्धि का मामला कब तक सॉल्व होगा? क्या अप्रैल से मिलने की संभावना है? तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे, ज़्यादातर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल से ये मानदेय वृद्धि 2,000 की गई है, वो मिलने की प्रबल संभावना है। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक और समाचार हम ले रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से लिया है। परिषदीय स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी से दिक्कत हो रही है। कई स्कूल एकल शिक्षक के सहारे संचालित हैं। कई जगह अन्वेषक व शिक्षा मित्र स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इसका असर छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर पड़ता है। कुछ जगह तो शिक्षा मित्रों के हवाले ही स्कूल चल रहे हैं लगातार। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्रों एवं इस अन्वेषकों के हवाले स्कूल संचालित हो रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक समेत अन्य पद रिक्त हैं, इससे यहां पढ़ रही बेटियों को दिक्कत होती है। गत वर्ष नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन विवाद के चलते भर्ती नहीं हो पाई है। ये साथियों एक बड़ी दिक्कत आ रही है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए लू से बचाव के लिए स्कूलों और श्रमिकों के काम का समय बदल दिया जाएगा। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने गुरुवार को लू से बचाव के संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ में एक अन्वेषक पर गिर सकती है गाज। EMIS इंचार्ज से अभद्रता के आरोपी अन्वेषक की सेवा हो सकती है समाप्त। प्रतापगढ़ BSA कार्यालय में तैनात EMIS इंचार्ज से अभद्रता करने के आरोपी अन्वेषक की सेवा समाप्त हो सकती है। BSA कार्यालय में तैनात EMIS इंचार्ज मोहम्मद वसीम से गौरा विकास खंड के मिडिल स्कूल रोही खुर्द कला में तैनात अन्वेषक अखिलेश तिवारी ने अभद्रता करते हुए हंगामा किया था। ये आरोप लगाया जा रहा है अन्वेषक अखिलेश तिवारी पर। अभी आरोप कहाँ तक सही है इसका अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, गाज गिरने की संभावना है। 20 अप्रैल को हुई घटना के समय BSA कार्यालय में मौजूद नहीं थे। पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए BSA भूपेंद्र सिंह ने अखिलेश तिवारी को नोटिस जारी कर दिया।
26 अप्रैल को अपना पक्ष रखने को कहा। बीएसए ने कहा कि अगर इस अवधि में स्पष्टीकरण नहीं आया तो नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ी दुखद घटना कह सकते हैं अन्वेषक परिवार के लिए। अब मामला क्या है ये वक्त बताएगा। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही। खुटार के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी शिक्षक अचल राज 26 शुक्रवार शाम को शादी कार्यक्रम से वापस हो रहे थे। अपनी कार के द्वारा निगोई में आए थे। रात 12 बजे वापस आते समय पोया निगोई मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर माइनर में जा गिरी। पानी में डूब कर शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। वो हम कार दिखा रहे हैं आपको जो डूबी, देख सकते हैं आप इस कार को। ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त है और ये फाइल फोटो। शिक्षक अचल राज उम्र 26 वर्ष। निगोई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचल राज खुटार में गांव गड़िया रसेली के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक तैनात थे। 2021 में उनकी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति की गई थी। पत्नी नीलेश कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। अचल की 1 साल की मासूम बेटी सैजल भी है। तो ये थे साथियों अब तक के मुख्य समाचार। शिक्षा विभाग से किसी और अपडेट के लिए मिलते हैं हम और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।